हेलो फ्रेंड्स, आज हम मथुरा द्वारकाधीश जी के दर्शन करने आए हुए हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत और देख सकते हैं आप, मैं द्वारकाधीश टेंपल घाट के सामने बैठा हुआ हूं और आज आपको बहुत ही खूबसूरत दर्शन कराऊंगा लाइव। बहुत ही मज़ेदार वीडियो होने वाला है, बिल्कुल भी वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, वीडियो का मेरे साथ लास्ट तक बने रहेगा। तो चलिए आइए मेरे साथ, लेट्स गो। सुबह 7:10 की ट्रेन से सैटरडे का दिन और हम निकल पड़े दिल्ली से मथुरा के लिए द्वारकाधीश जी के दर्शन करने के लिए। 2 घंटे में हम पहुंच गए रेलवे स्टेशन मथुरा। यहां से देख सकते हैं, ये है मथुरा रेलवे स्टेशन। यहीं से हमने बाहर निकलकर हमें एक रिक्शा लिया, जिसने हमें 20 रुपये में द्वारकाधीश टेंपल के नज़दीक पहुंचा दिया। यहां से देख सकते हैं, यही यहां से शुरू होता है हमारा द्वारकाधीश टेंपल। देख सकते हैं आप, यहाँ से सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट, और इसी के ऊपर यहाँ पे देख सकते हैं आपको दिख रहा होगा द्वारकाधीश टेंपल। अभी हम दिखाएंगे आपको पूरी तरह से इस टेंपल को और पूरा दर्शन करवाएंगे आपको लाइव। यहाँ से देख सकते हैं, यहीं पे हमने 20 रुपीज़ में अपने बैग और शूज़ को जमा कराया, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। यहीं से मैंने टेंपल को एंटर किया। यहाँ से देख सकते हैं सामने राजधीश द्वारकाधीश मंदिर। तो चलिए चलते हैं अंदर। तो आज हम इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मथुरा के धार्मिक मंदिर द्वारकाधीश मंदिर के बारे में। इस मंदिर से जुड़ी सभी रोचक बातें हम आज इस वीडियो में बताएंगे, और इस इतिहास और इससे जुड़ी मान्यता का भी वर्णन हम इस लेख के अंदर करेंगे। और हमारे साथ इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए, इस वीडियो के इतिहास की बात करें तो द्वारकाधीश धाम भारत के 4 प्रमुख धामों में से बद्रीनाथ, जगन्नाथ पुरी और रामेश्वर के बाद चौथा स्थान द्वारकाधीश का आता है। और हिंदू धर्म के लिए यह धार्मिक स्थल बहुत ही महत्व रखता है। हिंदू धर्म के लोगों को यह मान्यता है कि यह नगर स्वयं श्री कृष्ण के द्वारा बसाया गया है। यह मंदिर उत्तर प्रदेश के स्थित है और इस उत्तर प्रदेश के सभी धार्मिक मंदिरों में से यह मंदिर एक है। कई अन्य नामों से ये जाना जाता है, जैसे द्वारकाधीश जगत मंदिर, द्वारकाधीश के राजा आदि नामों से जाना जाता है। यह मंदिर पूर्ण रूप से भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है और 200 साल पुराना यह मंदिर 1814 में कृष्ण जी के परम भक्त और ग्वालियर राजा के कोषाध्यक्ष सेठ गोकुलदास पाटी द्वारा इसका निर्माण कार्य शुरू किया गया, लेकिन कुछ समय बाद उनका देहांत हो गया और देहांत के बाद मंदिर का कार्य उनके सुपुत्र लक्ष्मी चंद्र ने पूरा करवाया और बाद में इस मंदिर के पूजन के लिए द्वारकाधीश मंदिर को पुष्टि मार्ग के आचार्य गिरधर लाल जी को 1930 के में सौंप दिया गया। और उस समय के बाद इस मंदिर में पुष्टि मार्ग तरीके से पूजन कार्य किया जाता है। और अगर वास्तुकला की बात करें तो वास्तुकला के लिए यह प्रसिद्ध, इस मंदिर के वास्तुकला मन को लुभाने वाली है। इस मंदिर की दीवारों पर हाथों से बहुत ही सुंदर कलाकृतियां बनाई गई हैं, जो कि भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी लीलाओं को दर्शाती है। और यह मंदिर बहुत ही बड़ा मंदिर है। यहां से देख सकते हैं आप, यहां पे सैटरडे का दिन था और बहुत ही भीड़ थी। यहीं से मैंने लाइव दर्शन किए और आपको भी करवाऊँगा। यहाँ से देख सकते हैं इतनी भीड़ है, बहुत ही अद्भुत दर्शन थे। ये देख सकते हैं आप लोगों की भीड़ कैसे उमड़ रही है यहाँ पे दर्शन करने के लिए। ये देखिए, यहाँ से देख सकते हैं, देखिए। और यह मंदिर की दीवारों को कई वास्तुकला राजस्थान शैली में भी की गई हैं। इन्हीं वास्तुकला के कारण यह मंदिर पूरे भारत में प्रसिद्ध है। भव्य दरवाजा इस मंदिर के अंदर उपस्थित है। यह यार्ड के अंदर के एक सुंदर चित्रों की नकामी की गई है, जो कि 3 स्तंभों पर टिकी हुई है। और मंदिर के अंदर की वास्तुकला की बात करें तो मंदिर के अंदर जाने के लिए सबसे पहले आपको कुछ खड़ी सीढ़ियों का चढ़नी पड़ती है, और मंदिर के अंदर प्रवेश करने के बाद यहां पर आपको निकासी द्वार स्तंभों की 5 पंक्तियां देखने को मिलेंगी। ये देखिए, सामने लाइव दर्शन कर सकते हैं द्वारकाधीश जी के, कितने खूबसूरत दर्शन है। बहुत ही भीड़ थी, उसके बावजूद भी हमें क्लिप लेने के लिए यहाँ पे पूरी कोशिश करी। यहाँ से देख सकते हैं सामने ही,
द्वारकाधीश जी के दर्शन करें। और यहीं से मैं उतर के नीचे आया और ये आंगन को तीन अलग अलग हिस्सों में बांटती हैं, ये इससे लोगों को आने जाने के लिए होते हैं, जिससे दाई लाइन महिलाओं के लिए होती है और बाई लाइन पुरुषों के लिए होती है। अलग अलग लाइन लगती है महिलाओं और पुरुषों के लिए, जो वाकई बहुत अच्छी है। और यहाँ पर दान आदि चढ़ाने के लिए एक बड़ी दान पेटी रखी गई है मंदिर के आंगन के बिल्कुल सामने गर्भगृह। यहाँ पर द्वारकाधीश जी की पवित्र मूर्ति स्थापित है, ये देखिए यहाँ से। यहीं से पीछे आप परिक्रमा करते हुए बाहर की ओर आप यहाँ से जा सकते हैं, ये देखिए यहाँ से मैंने पूरी परिक्रमा करी, देख सकते हैं। और ये धार्मिक मंदिर अपने वास्तुकला के साथ कुछ पवित्र त्योहारों से भी प्रसिद्ध है, जो यहाँ बहुत धूमधाम से मनाए जाते हैं और यहाँ पर हजारों श्रद्धालु श्रद्धा भाव से आते हैं। और द्वारकाधीश मंदिर के कपाट खुलने का समय, दर्शन करने का समय मैं आपको बता दूं, अगर आप सुबह आ रहे हैं तो सुबह 6:30 बजे से 10:30 बजे तक आप दर्शन कर सकते हैं, और अगर आप शाम को आ रहे हैं तो 4 बजे से 7 बजे तक आप दर्शन कर सकते हैं। और हम सैटरडे के दिन गए थे तो अच्छा खासा भीड़ रहता है, सैटरडे और संडे आपको बहुत अच्छा खासा भीड़ मिलेगा, ये आप देख लीजिएगा। और यहाँ से अब मैं इस टेम्पल को एग्जिट करते हुए ये देख सकते हैं कितना खूबसूरत दर्शन थे और बहुत ही जबरदस्त भीड़ थी सैटरडे के दिन, देख सकते हैं आप। और यहीं से मैं एग्जिट करते हुए द्वारकाधीश घाट गए, यहाँ से देख सकते हैं आप, ये है हमारा द्वारकाधीश घाट, जहाँ पे पितरों की पूजा होती है और यहाँ पे आप नाव की सवारी भी कर सकते हैं। बड़ा ही खूबसूरत व्यू था जो मैंने लास्ट में इसको क्लिप लेने की कोशिश करी। और इसी के साथ मैं अपने वीडियो का एंड करते हुए मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, बड़ी खूबसूरती के साथ मैंने आपको ये दर्शन कराने की कोशिश करी है। सो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके वीडियो ये कैसा लगा। सो गाइस, दैट्स द एंड ऑफ माय वीडियो, मैं फिर मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ, नई जर्नी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।